नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम के अंदर एक ऑल्टो कार में गुरुवार देर रात एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यह लड़की 4 दिन से लापता हुई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात गोंडा पुलिस को सूचना मिली कि बहराइच रोड स्थित आश्रम में एक कार में 12 साल की लड़की का शव मिला है। यह सूचना जैसे ही फैली इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। जांच में पता चला कि लड़की का घर आश्रम से कुछ ही दूरी पर है और वह घर से 4 दिन पहले लापता हुई थी। पूछताछ में सामने आया कि जिस कार में शव मिला है वह आश्रम में कई दिनों से खड़ी थी। गुरुवार देर रात जब कार से काफी दुर्गंध आई तो आश्रम के कर्मचारियों ने उसे खोलकर देखा। अंदर लाश देखकर हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को इसकी सूचना आश्रम के कर्मचारियों ने ही दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम आश्रम और गाड़ी की जांच कर रही है। वहीं बच्ची की मां ने बताया कि मंगलवार रात से मेरी बच्ची लापता हो गई थी। हमने आसपास के क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। पुलिस को भी मामले की सूचना दी थी। अचानक पता चला कि उसकी लाश आश्रम में खड़ी कार में मिली है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले मेरे पति भी अचानक लापता हो गए थे। जिन लोगों ने मेरे पति को लापता किया है उन लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। बच्ची की मां ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हमारी बच्ची मंगलवार को 7:30 बजे शाम को गायब हुई है। दरवाजे से हमने ढूंढना चालू किया, बच्ची हमारी नहीं मिली। हम आश्रम सब जगह घूम के आए, हमारी बच्ची कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं मिली। हमारी बच्ची काफी दूर दूर तक घूम के आई मैं। हाँ, मुकदमा लिखाई हूँ। आज क्या, आज बच्ची हमारी मिली 4:30 बजे। 4 बजे उसकी लाश मिली है आश्रम बापू आश्रम में। संत श्री आसाराम बापू आश्रम में गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी लेकर चले गए थे चीर घर, वहाँ से फिर हमें लेकर गए दिखा के लेकर आए। बच्ची हमारी चेतनी बदबू आ रही थी कि क्या बताऊँ, उसके चेहरा चीरने में नहीं, नीला नीला चेहरा एकदम हो गया, गला वाला सो जाए। किसी ने मारा है हमारी बच्ची को। हमारे घर के विषय में कुछ दिन हो जाए, 5 महीना पूरा हो गया, 6वां महीना 20 तारीख आ जाए, 6 महीना पूरा हो जाए। हमारे घर कुछ किसी दूसरों ने पटेदार ने लिखा लिया है। लिखने वाली हमारी चचिया सासू है, लिखाने वाले इंद्र ठाकुर है, पप्पू सिंह जगदीशपुर के। हमारे घर से नहीं आके लिखाए हैं सुरेंद्र कुमार घर से आके लिखाए हैं। हमारे घर को हमने कब्जा नहीं दी, इसलिए हमको आए दिन धमकियां देते रहते हैं कि मैं जरूर लूँगा, किसी तरह कुछ भी कर लूँ, मैं हर तरह से ले लूँगा उस घर आपका। हमारी बेटियों को किसी ने मारा है, हमारी बेटियों को किसी ने लगते जा बजा जैसे छिड़क दिया, उसका दांत वांत कुछ भी नहीं, उसकी आंखें निकल आई है। हाँ जाते थे, हाँ जाते आते थे रोज, लेकिन संत श्री आसाराम बापू आश्रम में जाती थी, दीपक जलाकर घर चली आती थी, वहाँ रुकती थोड़ी न थी। वहाँ से उसको श्रद्धा थी, वहाँ पे सब लोग मानते जानते थे, लेकिन बच्ची उसमें बहुत पहले 2 दिन पहले नहीं थी, आज रात को वहाँ पर मिली है। 13 साल उम्र थी बच्ची की, 5वीं में। हमारी बच्ची को मार दिया गया, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। हमारे पति भी 2 साल से गायब है। कोतवाली नगर जनपद गोडा, एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।